सो गाइज, स्मार्ट वॉच को स्मार्टफोन से कनेक्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको करना क्या है, आपके फोन पर अगर स्कैनर का ऐप दिया हुआ है, जैसे इस फोन पे मेरा देख सकते हो स्कैन QR कोड का ऑप्शन है, ऑलमोस्ट सारे फोन पे रहता है, तो आप स्कैन कर लेना, या फिर आप गूगल स्टोर ऐप स्टोर में जाकर के नाम लिखोगे तो भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो चलो मैं स्कैन करके दिखाता हूँ। इस तरीके से चलेंगे स्मार्ट वॉच में, नीचे 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 QR कोड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक कर लेंगे। ये जो QR कोड है ना, इसे अपने फोन पे इस तरीके से स्कैन कर लेना है। इसे हमने स्कैन कर लिया, अब यहाँ पे एक लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक को आपको ओपन इन ब्राउजर करना पड़ेगा। जैसे मैंने ब्राउजर में ओपन किया, कंटिन्यू करते हैं तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप ऐप स्टोर के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड के लिए कर सकते हो। इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फिट प्रो इस नाम से आएगा, इस तरीके का आइकन नजर आएगा। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, तब जाके हमारा स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन साथ में कनेक्ट हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के थ्रू। चलो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा ताकि आप यहाँ पे इजिली देख पाओ स्क्रीन पे। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, फिर ओपन करते हैं, फिर दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। हमारा ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है, इसे ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। सारे परमिशंस यहाँ पे आपको अलाउ कर देने हैं, वरना फिर आप बोलोगे कि कॉल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, जो जो आएगा सब कुछ अलाउ करना है। अब दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे सेट का, इस सेट वाले को क्लिक करना। यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो बाइंड डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ कर देना ब्लूटूथ परमिशन। अब ये आसपास की स्मार्ट वॉचेस को ना सर्च करेगा, जितने भी स्मार्ट वॉचेस इस ऐप से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं चलो हमारा किस नाम से आता है। उससे पहले आपको ये देख लेना है कि आपके स्मार्ट वॉच के अंदर डुअल मोड जो है वो स्विच ऑन किया हुआ है। किसी किसी स्मार्ट वॉच में डुअल मोड आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो टेंशन मत लेना। जिसके अंदर डुअल मोड नहीं रहता है उसका ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है, एंड डुअल मोड जिसमें रहता है उसमें आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो देख सकते हो वॉच 7 नाम से आ चुका है हमारा ये स्मार्ट वॉच, क्योंकि ये सीरीज 7 का क्लोन है। इसे पे क्लिक कर देंगे, अब ये ब्लूटूथ बेस्ड कनेक्शन होगा, टाइम को ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा, यूजर प्रोफाइल टारगेट जो है सब चीज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। सेट पे चलते हैं, देख सकते हो वॉच 7 नाम से आ रहा है, एंड इस तरीके का कुछ हमें ऐप में फंक्शन देखने को मिलता है। अब ना हमें इसके ब्लूटूथ को भी कनेक्ट कर लेना है, तो इसके अंदर जो आपको यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट आ रहा है ना, इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा ताकि आप इसके अंदर ब्लूटूथ में म्यूजिक प्ले कर पाओ, या म्यूजिक कंट्रोल कर पाओ, या फोन कॉल्स ले पाओ। तो उसके लिए करते क्या है, इसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा, सर्च कर लेते हैं, वेल ऑडियो नाम से आ रहा है, इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पेयर कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा स्मार्ट वॉच जो है फुल्ली कनेक्टेड स्मार्टफोन से। यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे करूंगा, ये दोनों आइकन्स पे तभी क्रॉस नजर आ रहा था, यहाँ पे अभी दोनों आइकन्स विजिबल है, दोनों आइकन्स यहाँ पे आपको ओपन नजर आ रहे हैं। तो हमारा स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ से तो कनेक्टेड है ही, साथ ही साथ ऐप से भी कनेक्ट हो चुका है। सो गाइस, ऐप के अंदर सबसे पहले दिखाता हूँ आपको क्या क्या फीचर मिलता है। रेस टू वेक का फीचर है, इसे ऑन कर दोगे ना तो आप जब अपने रिस्ट को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये रहा, देखो ये रेस टू वेक का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। अभी हमारा स्क्रीन ऑफ है, ये रहा, फिर मैं आपको बंद करके दिखाता हूं, ये रहा। तो आपको इसके अंदर रेस टू वेक का फीचर दिया गया है, जब आप हाथ में पहने रहोगे तो आप बाइक राइड कर रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, या अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको ना बार बार बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ को जब इस तरीके से अपनी ओर घुमाओगे कुछ इस तरीके से, तो अच्छा इसके अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। एंड इसको ना आप यहाँ पे जो टाइम दिया गया है ना, इससे आप 12 से 12 कर देना तो आपका हमेशा ये ऑन रहेगा। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर दोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच में कोई भी नोटिफिकेशंस कॉल नहीं आने वाले हैं, कोई भी रिंग नहीं करेगा, कुछ भी वाइब्रेट नहीं करेगा। अलार्म्स के अंदर आपको अलार्म लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसमें अलार्म लगा सकते हो। सीडेंट्री रिमाइंडर है, अगर आप बहुत देर से बैठे हुए रहोगे ना तो आपको रिमाइंड करेगा कि थोड़ा चलो फिरो, आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, इसे क्लिक करूंगा तो स्मार्ट वॉच में यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ जाता है जिसे स्टॉप कर सकते हो। रिमोट शटर का ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दूंगा ना तो यहाँ पे इस स्मार्ट वॉच के थ्रू मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ, जो एक शटर बटन की तरह वर्क करेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस स्मार्ट वॉच में कैमरा मिलता है क्या, कैमरा चला के दिखाओ, तो वो कैमरा नहीं रहता है, कैमरा का शटर बटन काम करता है। बस यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ, ये रहा, स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारा 3, 2, 1 एंड फोटो क्लिक हो जाएगा। देखो सो हमारा फोटो यहाँ पे क्लिक हो चुका है, एंड मैंने इस स्मार्ट वॉच के थ्रू फोन से फोटो क्लिक किया है। फिर नेक्स्ट फीचर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मिल जाता है मैसेज पुश का। इसमें जाओगे तो आपको सारे ऐप्स के ना यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे जिनको आपको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका कॉल रिमाइंड करेगा, SMS शो करेगा, WhatsApp के मैसेजेस शो करेगा, Facebook के, Instagram के। तो इनको अगर आप चाहते हो तो आपको ओपन करना एंड नोटिफिकेशन एक्सेस यहाँ पे दे देना। अलाउ कर देते हैं, दे दिया, एंड सब चीज को मैं यहाँ पे ऑन करता जाऊंगा ताकि मैं इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग कर पाऊँ, ताकि मैं इसमें अपने SMS रीड कर पाऊँ, WhatsApp भी ऑन कर देते हैं एंड Instagram भी ऑन कर देते हैं, Facebook को भी। अब क्या होगा, मेरे फोन पे जितने भी इन ऐप से नोटिफिकेशन आएंगे वो मैं इसमें देख पाऊंगा। फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर मैं कुछ कुछ कॉन्टेक्ट्स को सेव करके रख सकता हूँ जो मुझे यहाँ पे इसके कॉन्टेक्ट्स के ऑप्शन में
शो करेंगे जब यहाँ पे सेव कर दूंगा। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने एक नंबर यहाँ पे सेव कर दिया है एंड वो नंबर ना अब हमारे स्मार्ट वॉच के अंदर आपको शो होने लगेगा, देख सकते हो। अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से डायरेक्टली ब्लूटूथ कॉल भी चला जाएगा। फिर आपको नीचे मिल जाता है डायल सेटिंग, डायल सेटिंग के अंदर दिखाता हूँ क्या क्या है। इसके अंदर आपको ना बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो एंड लगा सकते हो, एंड इसके अंदर आप कस्टम वॉलपेपर भी लगा सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर देखना है कैसे खुद का फोटो लगा सकते हो, कैसे एप्पल वॉच का फोटो लगाना है, तो आई कार्ड में लिंक आ रहा है, एप्पल वॉच का लोगो भी लगा सकते हो, तो आई कार्ड में लिंक आ रहा है वीडियो का, जाकर के जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। फिर नीचे आपको रीसेट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये अनपेयर हो जाएगा। फिर आपको अदर के अंदर दिखाता हूँ क्या मिल जाता है। अदर्स के अंदर आपको कुछ कुछ अलग से फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक वाइब्रेट कराना चाहोगे कि वाइब्रेशन ऑफ रखना चाहोगे, तो ये ऑन किया हुआ है। ओटीए अपग्रेड के अंदर आप जाके देख सकते हो कि क्या आपके स्मार्ट वॉच का कुछ अपडेट आया है, तो द लेटेस्ट वर्जन है ये, इसमें आपको अपडेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड सेटिंग के अंदर आपको कुछ कुछ मिल जाएंगे सेटिंग्स जिनको आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये था इस स्मार्ट वॉच के ऐप का ओवरव्यू, फिट प्रो ऐप का। इसके अंदर आपको अपकमिंग और भी वीडियोस मिलने वाले हैं, सो अगर आप वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो।